वहां ये कहते हैं विक्रमान जब परमात्मा का भजन किया, जल्लादों की बुद्धि साफ हुई, निबले रहे पादशाह कितने भूंडे कर्म करे होंगे जो ये मानस मारने का काम किया आज, अरे निर्दोषा न मारो गया क्या गति होगी। उन्होंने कहा विक्रमा को कि भाई हम जानते हैं तेरा दोष नहीं है, तू चला जा इस नगरी के आसपास भी नजर मत आना। वो वहां से चला जाता है और ऐसा कहते हैं वो संतों के टोले में शामिल हुआ था। सजनों ये जो विक्रमा का बरथरी का जो किस्सा गाया जाता है ये इसके दूसरे भाग की कथा है आपके बीच में, यहां से जो शुरू होगी के समय बीतर वो राज भी उजगर हुआ। जब वो ब्राह्मण को अमर फल मिला उसने जाके घर दिया, पंडितानी ने समझा के राजा को दे दे, उसने वो फल राजा को दे दिया, राजा ने पिंगला को दे दिया, पिंगला ने घुड़साल को दे दिया और दरोगा ने वैश्या को दे दिया, वैश्या ने वापिस राजा भरथरी को दे दिया। तो वहां राज उजगर हुआ था और सारी दुनियादारी से विश्वास उठ गया राजा भरथरी का और नगर छोड़ के चल पड़ते हैं। चले आगे एक संतों का टोला मिलता है, आदेश प्रणाम किया कि नाथ जी कहां जाओगे कि गुरु गोरखनाथ का भंडारा, वहां सत्संग होगा जहां सत्य का ज्ञान मिलेगा। भरथरी ने बोला सारी उम्र खोदी सत्य का ज्ञान ना होया, उड़ा लेकर चलो जहां सत्य का ज्ञान हो। ऐसे ही सत्संग चला हुआ और संतों के साथ जाकर राजा भरथरी भी बैठ गए। गुरु गोरखनाथ ने इशारा किया कि भाई आगे ना, मेरे को ऐसा लगता कि जैसे उज्जैन का राजा भरथरी हो। निवला महाराज का दे था आज तो कुछ भी नहीं, अरे आज तेरे राज का ताज तेरे सर पर नहीं है, तेरे राज की टेक तेरे पास नहीं है, तेरी राज के पोशाक नहीं है, तेरा चेहरा रुआसा है, तेरे बाल बिखरे हुए, कौन सा दुश्मन छेद गया। निवला बाबा जी मैं तो राजा हूं इस सारी दुनिया में, इस कायनात में इन तन्यारा कोई किसी ने छेद दे नहीं सकता। किन तन्यारा एक धरती तो जब पट को आम भर कर नाटक है, कदे किसी का मोजो खड़े पा नाटक है ना, हाँ भर रहा हो और खड़े पा नाटे है क्यों सोच ले उस खातिर धरती पाटे है। एक धरती तो जब पाटे को हाँ भर के नाटे है, एक धरती फिर जब पाटे को थूक के चाटे है, और दाऊ धरती जब पाटे को यारी मजड़ काटे है, और कह मांगे राम ये तीन धर्म को बिरलाए जल डाटे है, सबके बस का खेल ना है। पहली कली में निवला बाबा जी बाका भूलिया भाई से कैसे देखो कपटी यार, अरे चंचल त्रियाशी से जब मानस रो टक्कर मारे। पहले नंबर पे भरथरी ने क्या कह दिया, चीज श्यामी हो सना जब उसकी कदर नहीं होती है, और वह चीज खूले सना फिर न्यू बेरा लग जाओ वो तेरी भेदभाव उसे बना तो नहीं बनाएगा। ओए न्यू से सदाए एक लक्ष्मी चंद का जिक्र सुनो जी का जन्म यही हरियाणा, ऊंचे तुल की कविता ही थी ऊंचे तुल का गाना, रेत में मोती रड़ा फिर था जीते जी नहीं पहचाना, जीव था जब तन यू कहते हो तो पीरा शगर काना, और मरते सब ने शर्मा रहा ब्राह्मण सा ज्ञान नहीं है, मरे हुए बगी गिर जीवते की शान नहीं है। चीज तो हो रहा हो से इतने कदर ना होती है, वह जाले है ना खूले से जब कदर हो से महाराज, मन अपने हाथों से जल्लादों को सौंपे अपने भाई को और उनके जाए पाछा मेरा ला गया भाई के हो गए के बाबा जी फूट कर रोपड़िया ने बोला मैं एक नहीं हम चार डूबे चार ने षड्यंत्र कर आ है कौन कौन। आखिरी कली सजनो दादा मांगे राम जग है जिसने अपने गुरु भक्ति को दिखाया, कितने भजन है जिनमें दादा मांगेराम ने अपना नाम तक नहीं लिया अपने गुरु के ही भोग से सालते कर दिए, कितने भजन है ब्रह्मा विष्णु शिव जी भोला जान लिया जाटी के महा, गंगा जमुना त्रिपेणी मन मान लिया जाटी के महा, बालक पणते फेरू था भरमता ध्यान लिया जाटी के महा, गुरु लक्ष्मी चंद की सेवा करके मन ज्ञान लिया जाटी के महा, अपने गुरु की बैठ नाव में 30 बरस ते तिरियासू दुख दर्द का बोझ देव की मैं अपने सर पर धरियासू। कितने भजन अनेक
शालस होकर डांडी मारे न्यू धरती पाटी है, गुरु द्रोण साज लाथा जड़े कलेवे की काटी है, सच्चा ब्राह्मण सथिर आत्मा अन्या ने लाठी से, जन्म लेण ने काम सोसाणा फिर पढ़ण ने जाटी से, और लक्ष्मी चंद गुरु की कीर्ति मन जन्म जन्म गाणी से, जामन मन कर्म का फलिया कृष्ण की वाणी से। कितने भजन है, यो धन माल मेरे थ्या जात, जय मेरी काबू मैं आ जात, लक्ष्मी चंद मन पा जात, ज्ञान वार क्यों तेरे परक, बोल पड़न रुक के मारूं क्यों हंड डाने मंडेरे पर। कितने भजन है, अरे ऐसा कवि जिसने अपने गुरु को अवतारों में बैठा दिया कि पहली बार में भरा बने हमने पृथ्वी अधर उभारी थी, दूसरी बार में यज्ञ पुरुष ये प्रजा रची दे धारी थी, तीसरी बार में कपिल मुनि मेरी देहूति में तारी थी, चौथी बार में दत्तात्रेय मेरी अत्रि के संगयारी थी, पांचवी बार में शंखा दिए दे दिखे थी चार मेरी, इस वसुंधरा का भार तारता जो रचना है साकार मेरी, अरे छठी बार में नारायण मेरी धर्म स्त्री दक्षता, सातवीं बार धरु बनया उत्तान पात का फिरियामता, आठवीं बार पृथ्वी बन के पृथ्वी मत के दे चता, नौवीं बार ऋषभ देव अपने दिने जन्म बता, दसवीं बार अम्बरीश बनया थी वेद रचन की कार मेरी, वसुंधरा का भारतारता रचना है साकार मेरी, ग्यारहवीं में मच्छ बन के जल से वेद निकाल दिए, बारहवीं में कच्छ बन के असुर ठिकाना घाल दिए, तेरहवीं में नरसिंह बन मारे रणा कुश डाल दिए, चौदहवीं में हरी बनया मन जल से अंत उछाल दिए, पंद्रहवीं में बावना बने ना हुई बली से हार मेरी, वसुंधरा का भारतारता रचना है साकार मेरी, मैं सोलहवीं में हंस बनया मेरी आत्मा ने भान किया, सत्तरवीं में मनु बनया मनु मंत्र का ध्यान किया, अठारहवीं में धनवंतरी आयुर्वेद का ज्ञान किया, उन्नीसवीं में परशुराम इक्कीस बार मदान किया, बीसवीं में श्री रामचंद्र जी थी जनक नंदनी नारी मेरी, वसुंधरा का भारतारता रचना है साकार मेरी, 21वीं में व्यास बनया जंगल में अभ्यास किया, 22वीं में श्री कृष्ण बनके गोकुल के मां रास किया, 23वीं में बुद्ध बनके सर्राव पंथ का निकास किया, और 24वीं में लक्ष्मीचंद बामण तन जाटी के मां वास किया, के मांगे राम कलकी बनाइए ये रटना है इस बार मेरी, वसुंधरा का भारत आरता जो रचना है साकार मेरी। हे सजनो चौथी कली है, यहां भी गुरु भक्ति को दिखाया, के कह दिया।